सात बड़े फायदे, कंप्लीट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ अवर बॉडी, अवर माइंड, अवर थॉट्स, अवर इमोशंस। एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा शब्द है, सब करो। 90 से लेकर के 99% पूरा पैर पीछे का सीधा, आगे वाले पैर पर पूरे ऐसे बैठा करें। लंबे लंबे श्वासों के साथ 90 से 99% हमारी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का एक्सप्रेशन होता ही कहां है। बॉडी का फुल एक्सप्रेशन हो जाए ना, तो एक एक व्यक्ति महाबलवान, महाप्रज्ञावान, वो अत्यंत श्रद्धावान होगा, गुणवान होगा, चरित्रवान होगा, महान होगा। वो नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाएगा। एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य। भगवान ने बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के सब जीवों को समान रूप से अप्रतिम सामर्थ्य दिया हुआ है। यह अलग बात है हम अपने आप को कितना जानते हैं, कितना जगा पाते हैं, अपनी शक्तियों को कितना सही दिशा में लगा पाते हैं। तो योग साधन है, माध्यम है अपने आप को जानने का, अपने आप को जगाने का और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाने का। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट एक्सप्रेशन। लंबे लंबे श्वास ऐसे करें। अब इसमें भस्त्रिका भी पूरा हो रहा है, फास्ट कर लिया। एक एक अभ्यास को ऐसे तब तक करते रहे जब तक पसीना ऐसी चूने ना लगे। मैं तो क्योंकि दौड़ के आया हूं ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पसीना आ जाता है। चलो करो। और एक खास बात बताता हूं, मुझे 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी बहुत सामान्य सा पसीना आता है, गर्मी नहीं सताती है। और -5 पर मुझे सर्दी भी नहीं सताती। और यहाँ थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी छाव, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख, थोड़ा सा मान, थोड़ा सा अपमान, थोड़ा सा ऊंचे नीचे हुआ और आप ऊंचे नीचे होने लगते हो। अब कल कितनी भयंकर आंधी, तूफान, बरसात, ये तो जीवन का सत्य है। जीवन में रोज झंझावात रहेंगे, आंधी तूफान रहेंगे, संघर्ष रहेंगे, चुनौतियां रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, हमें उनका समाधान बनना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे तो जरा, योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। योग से स्वास्थ्य मिलेगा, सफलता मिलेगी, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, विजय मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिले, जीवन का निर्माण होगा और अंततः निर्वाण, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कहते हैं छूटने को। क्या कहते हैं मोक्ष किसको कहते हैं बोलो? छूटने को। और छूटना किससे है? जो दुख देने वाली चीजें हैं, रोग दुख देते हैं, भोग दुख देते हैं, कुछ चीजें तत्काल दुख देती हैं, रोग तत्काल दुख देते हैं, और भोग ये मीठा जहर है, ये धीरे धीरे दुख देते हैं। थोड़ा सा सुख और जिंदगी भर का दुख, जैसे एलोपैथी की दवाइयां, थोड़ी देर का आराम और जिंदगी भर के लिए तुम्हारी नींद हराम कर देते हैं। क्षणिक आराम और शाश्वत नुकसान। लंबे लंबे श्वास। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, आप अपने आप को पूरा योग से अभिव्यक्त कर पाएंगे। और जब आपकी शक्तियां भीतर से अभिव्यक्त हो जाती है, तो मैं बार बार कहता हूं ना, सारा समाधान भीतर है, सारी औषधियां तुम्हारे भीतर हैं। जो आप अलग अलग केमिकल सोर्स, हार्मोन्स, अलग अलग प्रकार के स्टीराइड, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल्स, पता नहीं क्या ऐसी कैसी दवाइयाँ, सामान्य करो ऐसे, जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है ना, हाथ घुटने तक हिलाओ, कमर में दर्द नहीं है तो हाथ पंजे तक, ऐसे यह चल रहा है पूरा,
जोर का कार्यक्रम, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, प्राणों का, विचारों का, भावनाओं का, पूरे सर्वस्व का समावेश हो योग में। केवल बॉडी से नहीं योग करना। चलो नेक्स्ट। तो द सेवन बेनिफिट्स ऑफ योगा, पांच तो मैंने बता दिए थे, दो और जोड़े धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तुम्हें अनंत की। कंप्लीट एक्सप्रेशन, और आई एम द लाइव एग्जांपल ऑफ योगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं आत्म सलाघा के लिए नहीं, तुम मुझे देख लो ना, मैंने अपने शरीर को एक्सप्रेस किया योग से, और अपने आप को तो किया ही, और मैं आम लोक भाषा में बोलूं और उसमें भी ठेठ हरियाणी भी मैं बोलूं तो स्वामी रामदेव करोड़ों लोगों के शरीर में भीतर बढ़ गया, घुस गया। मेरा अपना शरीर ही मेरा नहीं है, आप सबके भी हाथ मेरे साथ है। आप जो मेरे सामने इनके इन्हें करोड़ों लोगों के हाथ मेरे साथ है, ये क्या है? ये योग का एक्सप्रेशन है। मैं आपके शरीर में, आपके मन, प्राण, विचार, भाव, संवेदनाओं में घुस गया। ये है मेरा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। लंबे लंबे श्वास, बनी बात, पीछे जाते समय श्वास अंदर, आगे जाते समय श्वास बाहर। ऐसे ही पूरे देश के बच्चों को, युवाओं को हमें योगी बनाना है, और उनको सही दिशा में लगाना, उनके ज्ञान को, उनकी संवेदनाओं को, उनको शक्ति सामर्थ्य को जगाना है। स्वयं को जाने, वो स्वयं को जगाएं और अपने सामर्थ्य को, अपनी प्रतिभा को सही दिशा में लगाएं। इसके लिए युवा भारत भी बहुत बड़ा कार्य कर रहा है पूरे देश भर में। अब उसमें हम अपने दो आचार्यों की आहुति दे रहे हैं, एक हमारे चंद्रमोहन जी, एक सतीश जी। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे इन युवा आचार्यों का।